जमाना चलता है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपकी फटे के लिए आपने आर्थिक अध्यक्ष बना दिया। ये गरीब का बेटा, ये किसान का बेटा, तीन तीन साल से इस रीट भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहा था। इस परीक्षा को, इस सरकारी परीक्षा को आपने नाती का बाड़ा बनाकर रख दिया और नाती के बाड़े राजस्थान के हर कोने से अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, अफसर गिरफ्तार हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो आरएएस था, जो एसडीएम था, जो आरपीएस था, जो शिक्षा अधिकारी था, सबके सब पकड़ में आए हैं। साथियों, किस बात की बात करते हो, किस न्याय की बात करते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह नहीं दिख रहा कि आप स्वयं दो साल से बाड़े में बंद हो और राजस्थान के बच्चे बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके सीएम आवास में बैठकर आपको लग सकता है कि राजस्थान का आवाम राजी है, खुशी है, लेकिन आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जब आप विधानसभा चुनाव के लिए जाओगे, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा और इनका हर परिवार आपके सामने मिलेगा और आपको जवाब देगा कि किस प्रकार आप मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सोते रहे और यहाँ पेपर आउट होते रहे। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि सभी छात्रों के साथ पूर्णतः एसओजी की जांच हो और सभी छात्रों के साथ न्याय हो। न जाने पर्चे किस किस कॉलेज से 4000 जगह सेंटर हैं, ये तो कुछ जगह की खबरें आए जहां मीडिया पहुंच गया और जहां से बच्चों ने फोटो खींच के इसको खबर को पहुंचाया, बाकी कई जगह ऐसी है जहाँ से कोई खबर नहीं आई है। ये पर्चा पूरी तरह आउट है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, जितने भी ब्रश अफसारी और जितने भी कॉलेज वाले मिले हुए इस धांधली के शिकार है, सबको कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़े से कानून बनाए, कम से कम इनके विरुद्ध कानून बने, 20 साल की इनको सजा हो। और मांग करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि राजस्थान के हर कोने से लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप मानते हो? राजस्थान के 33 जिलों से लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसका मतलब नेट बंद था। अगर ये नेट चालू होता तो राजस्थान की हर थड़ी पे जहाँ चाय मिलती है वहाँ रीट का पेपर मिलता, जैसे 2012 में मिला है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एसआई भर्ती को रद्द कीजिए और आप इस रीट को पात्रता परीक्षा घोषित कीजिए, क्योंकि ये पात्रता है, इसके आधार पर आप नियुक्ति नहीं दे सकते, ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन है। हम कहना चाहेंगे कि राजस्थान का बच्चा बच्चा अब थक चुका है, ये हर भर्ती रद्द होनी चाहिए, हर भर्ती दोबारा सिस्टम सुधर के लगनी चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से हेलो, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 15 लाख में जॉब दे रहे हो, मैं एक गाडोलिया लोहार परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास में देने के लिए 15 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास में मेरी किडनी है, वो किडनी दे देता हूँ और ये किडनी लो और सालम मर जाओ। आर एस बिक गया, ऐसा ही बिक गया, बिक गए यहाँ हर एक सीट, नाठी तेरे बाड़े में लुट गई अब तो रीट। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगा कि जब इतनी लार्ज स्केल पर पेपर आउट हुआ है तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ ही जगह पेपर आउट हुआ है? कुछ ही जगह का मतलब जब कुछ के पास पहुंचा है तो सबके पास पहुंचा है। तो हम सब छात्रों की ये मांग है, जो पढ़ रहे थे उनको पता है कि उनका नंबर आने वाला नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जो ओरिजिनलिटी छात्र थे उनका नंबर, जो रीडिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने घर बार छोड़ के कोचिंग ले रहे थे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हताशा हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्रों की आवाज़ को सुनिए उनकी पुकार, वो एक ही बात चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। यदि प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो छात्र क्या करने वाले हैं, इससे आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक कि इस रीट को रद्द नहीं कर दी जाती। पता है, या तो इसको पात्रता रखें और दूसरा एग्जाम लगाएं नियुक्ति के लिए, रीट
उपेन यादव जी जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, हम सब छात्र आ रहे हैं अभी, वो उनसे बात चल रही है, वो आएंगे और उनके बाद जब उनका जो अगला कदम होगा उसके पीछे हमारा कदम होगा। जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हम डटे रहेंगे। कुछ ही समय में हमारे बीच अभी आने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना कि छात्रों की मांग है कि रेट और एसआई भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, यदि सरकार को एक्शन नहीं लेगी तो छात्र हमेशा इस धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, दूर हटने वाले नहीं है। व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है।